हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम कंप्यूटर रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस देखेंगे और ये जो है कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन का दूसरा वीडियो है। और अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसका पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the full form of LED? LED का full form क्या होता है? तो इसका answer होगा light embedded diode. LED का full form होता है light embedded diode. Question number second देखते हैं हम। What is the full form of LCD? LCD का full form क्या होता है? तो इसका answer होगा liquid crystal display. LCD का full form होता है liquid crystal display. Question number third देखते हैं हम। What is the full form of USB? USB का full form क्या होता है? तो इसका answer होगा Universal Serial Bus. USB का full form होता है Universal Serial Bus. Question number 4 देखते हैं हम। What is the full form of VGA? VGA का full form क्या होता है? तो इसका answer होगा Video Graphics Array. VGA का full form होता है Video Graphics Array. Question number 5 देखते हैं हम। What is the full form of MBPS? MBPS जो होता है उसका full form क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मेगा बाइट्स पर सेकेंड। MBPS का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट पर सेकेंड। आप देखते होंगे इंटरनेट का जो स्पीड आता है वो MBPS से आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KBPS? KBPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा किलो बाइट्स पर सेकेंड। KBPS का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVI? AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTS? RTS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रियल टाइम स्ट्रीमिंग। RTS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ Wi-Fi? Wi-Fi का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी जो है Wi-Fi का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCO? PCO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पब्लिक कॉल ऑफिस। PCO का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF? GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP? BMP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बिट मैप। BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWF? SWF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा शॉक वेव फ्लैश। SWF का फुल फॉर्म होता है शॉक वेव फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और ये काफी VVI है जो आप पिक्चर सेव करते हैं, और अदर PNG में सेव होता है या .jpeg में सेव होता है, ठीक। ये इसका फाइल एक्सटेंशन है फोटो का, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF जो होता है PDF डॉक्यूमेंट, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ये भी काफी VVI है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WML? WML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WML का फुल फॉर्म होता है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD? STD जो कॉल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISD? जो हम इंटरनेशनल कॉल करते हैं उसे ISD कहते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ISD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी स्क्रीन आपने सुना होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीजी? ओटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑन द गो। ओटीजी का फुल फॉर्म होता है ऑन द गो। और एक चीज देख लीजिए, ओटीटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा। कोई भी पिक्चर अभी जो रिलीज हो रही है कोरोना की वजह से, वो ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। और ये जो है प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएचएफ? वीएचएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वीएचएफ का फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएचएफ? यूएचएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। यूएचएफ का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस? जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और ये काफी वीवीआई ये भी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएफएस? एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? एफएटी फैट का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर के रिलेटेड में? तो इसका आंसर होगा फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडी? एसडी कार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सिक्योर डिजिटल। एसडी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमसी? एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा मल्टीमीडिया कार्ड। एमएमसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया कार्ड। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमईआई? तो इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आईएमईआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और ये काफी वीवीआई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएमपी? डब्ल्यूएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर होगा विंडोज मीडिया प्लेयर। डब्ल्यूएमपी का फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया प्लेयर। तो होप आपके सारे एब्रीविएशंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने एब्रीविएशंस पे दो वीडियो बनाए हैं, आप दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशन में, इससे ज्यादा कहीं भी आपको नहीं पूछा जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।